लाल चौक बंड से चल रहा था एक बार ये इचना माम There was this young girl from Los Angeles, I guess, and she was like, "You're this guy, your music is taught in our school." हार्ट ब्रेक ओह फक यू नो कॉलेज मज़ा हेड शॉट कॉलेज मज़ा हेड शॉट पेट्रोल आप वी स्पेंट नाइट्स टुगेदर मतलब ठीक लिखने के है लिए हाँ आज मैं पिटने वाला हूँ बाहर दूध भी मिल जाएगा। ऑन अ सीरियस नोट वेल लेट्स टॉक अबाउट क्योंकि सी एवरी वन वॉन्ट्स टू नो क्योंकि आप लोगों ने जो शुरू किया कश्मीर में आप तीनों ने जो चल रहा है अभी तक जो रोशन मैंने शुरू किया आप लोग अभी कर रहे हो एवरी वन मतलब आपका काम सब देखते हैं बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू कि कौन लोग हो। ओके सब लोग जानते नहीं है आपका एक एल्बम आ रहा है नया। हाँ इंशाल्लाह टेल अस अबाउट दैट एल्बम। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जब मैंने एल्बम ऐसे तो रिलीज़ किया नहीं है जो किसी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हो जैसे आईट्यून्स स्पॉटिफाई वगैरह ऐसे। तो बैक इन 2012 मैंने सोचा था मैं एल्बम बनाऊंगा बट आई डेंट नो मच अबाउट दिस थिंग हिप हॉप तो उतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था उतना ज़्यादा उतना वो सपोर्ट भी नहीं था मतलब लिखने के हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से बात करो प्रोडक्शन के हिसाब से प्लस लोगों का सपोर्ट उनको पता नहीं था ज़्यादा हिप हॉप है क्या और मुझे खुद भी नहीं पता था मैं ये कैसे एग्जीक्यूट करूं आगे कैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई सीडी छपाऊं या कुछ वैसा क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतना बड़ा था नहीं 2012 में सीन नहीं था कुछ हाँ सीन नहीं था और प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं था सो दैट मैं अपना म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करूँ उन जगहों पर तो वो कोई आइडिया ही नहीं था आई डेंट नो एनी थिंग अबाउट दैट दैट टाइम तो बट ट्राई करके आई यू नो रिकॉर्डेड 6 सॉन्ग्स उसका नाम मैंने रखा था रिजरक्शन ठीक तो बट जिस हिसाब से या जो आपने स्टार्ट किया रिजर्वेशन से हाँ तो जिस हिसाब से मैंने सोचा था एल्बम मैं ऐसा ऐसा करूँगा वैसे वो गया नहीं सो दैट वाज अ वेस्ट कंप्लीट वेस्ट। किस वजह से मतलब वेस्ट इन टर्म्स ऑफ लोगों की लोगों तक वो पहुँचा नहीं अच्छे से ठीक प्लस आई वाज वेरी स्टार्टिंग ऑफ राइट इन दैट मोमेंट हाँ उतना मैं ज़्यादा साउंड नहीं था नॉट टेक्निकली नॉट लिरिकली बट आई वॉज ट्राइंग तो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज दिन ब दिन सीखता ही है इंसान। तो उसके बाद एक दो साल मैंने देखा कैसे क्या करना सुना और आर्टिस्ट को क्योंकि उतना मैं हिप हॉप पहले सुनता नहीं था तो फिर वो सब सुन के एक ट्रैक मैंने लिखा था ईगो पे। अच्छा हाँ मेल ईगो या जनरल ईगो तो नॉर्मल ईगो था ईगो मतलब किसी मतलब इतना घुमंड करा कोई घुमंड करता है कोई मतलब अपने आप पे उतना ये नहीं होना चाहिए तो उस पर एक सॉन्ग लिखा था अच्छा था वो मैंने बाहर के एक फ्रेंड से हाय हेलो हो गई थी तो वहाँ पे मैंने वो रिकॉर्ड किया था उसके पास अच्छा खासा मिक्स दिया था उसने उसका जो कि मुझे पता नहीं था कश्मीर में मिक्सिंग क्या होती है जब एक ऑडियो बनाते हैं हम पहले कुछ भी नहीं पता था तो वहाँ पे सीखा वो सब। देन आई इन 2016 मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं क्योंकि ऐसे सुनता नहीं है कोई अगर मैं ऐसे ट्रैक्स डालूंगा तो मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ तो आई फ्यूज्ड कश्मीरी फोक सॉन्ग्स विद हिप हॉप ठीक ठीक वर्स हिप हॉप वर्स प्लस जो एक पुराने कश्मीरी सॉन्ग्स होते थे जैसे मतलब सब गाते थे जैसे जुर्म दूर सॉन्ग्स मदानो सो थोड़े कंपोजिशन चेंज करके हाँ कंपोजिशन चेंज करके कश्मीर में वर्स डाल के तो मैंने उस हिसाब से रेस्पॉन्स दैट वॉज अ थोड़ा सा न्यू थिंग लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो यस आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ ना क्योंकि अगर रैप सिर्फ कर रहे हो वो काफी लोग कर रहे हैं बट सिंस वी आर फ्रॉम कश्मीर वी हैव दैट एडवांटेज कि वी कैन ब्रिंग अवर कल्चर इन इट एग्जैक्टली एंड प्रेजेंट दैट टू द पीपल वो चीज़ दिमाग में रख के मैंने वैसा सोचा क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता था मैं कुछ मतलब मैं ऐसे मैं ये चाहता था ऐसा कुछ हो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो और अपने रूट्स के साथ स्टिक रहे मतलब कश्मीरी लैंग्वेज अगर मेरे को आता नहीं था कश्मीरी में लिखना बट आई ट्राइड एंड यू डिड इट हाँ आई डिड इट तो अब उसके बाद भी मैनी पीपल केम इन टू सीन मतलब इवन अहमर वॉज डूइंग हिप हॉप बैक इन 2011 छोटा था बहुत उसके बाद आई गॉट टू नो हिम अगेन इन 2016 तब से हमने कभी बात बात नहीं की थी हम उससे पहले पता भी नहीं था मुझे क्योंकि बहुत लोग तब जो रैप करते थे उन्होंने छोड़ दिया था रैप तो पता नहीं था मुझे लगा इसने भी छोड़ा बट वन डे आई वॉज गोइंग थ्रू माई फील्ड एंड आई सॉ देर इज अ सॉन्ग माई मोमेंट एंड मैंने सॉ अहमर तो मैंने आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट नाम अहमद होना चाहिए था अहमर हो गया गलती से तो देन अहमर से मैंने कॉन्टैक्ट किया He was very happy. मैंने उसको कांटेक्ट किया एंड वी मेट अच्छा तो
मैंने अपना काम दिखाया इसको, ही सॉ मी शोड मी इज वर्क, अच्छा लगा, तो देन वी डिसाइडेड चलो यू कुड रिलेट, हाँ चलो एक साथ टच में ही रहते हैं. देन अच्छा तब से ही स्ट्रांग डिड यू वर्क टुगेदर सिंस देन? वी वर्कड ऑन अ सॉन्ग, बट ठीक ठाक सॉन्ग था. अच्छा कब की बात है ये? 2018 2018 I guess, yeah. Two of the best now. We worked on a lot of projects. Yeah, we worked on a lot of projects. अभी production. तब उसके बाद से. बाकी बाकी चीजें. ठीक है. मतलब what do you do together? मतलब लिखते हो साथ में कि produce करते हो, और do you just do it with each other? या फिर do you also take other artists, you know, with you? We have been trying that, like taking other artists and pushing them, but at the same time we tried to like produce music since I was into production and he was into production also. So Ahmed, you signed with Azadi Records. Yeah. So tell us more about it. Start kaise kiya and how did you end up signing with Azadi Records? So I started back in 2011 ending. So my brother was into hip hop music. He introduced me. But he produced you. Introduced. Achha, introduced. Sorry. Okay. तो वी यूज़ टू गो टू लाइक इंटरनेट कैफेज और ये सब गाने वाने सुनने के लिए, डाउनलोड करने के लिए. डाउनलोड क्या? लाइक म्यूजिक एंड ऑल. सो द फर्स्ट आर्टिस्ट दैट आई हर्ड वाज 50 सेंट. ही वाज क्वाइट बिग उस टाइम पे, एंड दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू द होल जॉनर. फिर इट जस्ट बिकेम एन ऑब्सेशन द होल म्यूजिक, बिकॉज इट वाजंट जस्ट, पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा था वो गानों में. दैट्स लाइक इट वाज फुल ऑफ स्लैंग्स एंड द वे दे टॉक, यू नो, रेफरेंसेस. बट एज यू ग्रो यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, यू नो. तो द थिंग दैट आई गॉट आउट ऑफ दैट लाइक म्यूजिक वीडियो व्हाटएवर वाज हाउ पावरफुल दे वर शोइंग कि दे आर एंड हाउ फेयरलेस दे वर. You know, when it came to music, because black community we is like marginalized quite a lot, and we can relate to them bahut zyada. I feel like that's why we all relate to hip hop music so much, because we it can is like, it is basically a tool that you use to, you know, channel your inner voice, express. Yeah, that's how it was. If you go back in the history of how rap music came about, so there used to be like these rappers who used to like rap over beats and everything. It started from DJs and then it went on and it spread like wildfire. So that was basically the thing that really got me into writing, because I heard Tupac Shakur, who is like a known figure to everybody. He was a good public speaker, and I used to listen to his speeches. I used to listen to everything that he used to do. And this was down the line, introduction ke baad, down the line, when I used to like record on a mobile phone. And I used to like put out music that had no meaning at all, and it was Reverb Nation tha, bahut sari cheeze thi. I feel like Roshan used to put out. This was kind of an experiment ki kaisa chalega, and that helped you in, you know. I feel like us time hum itne naive the ki we didn't care about how it would be. We just felt ki hum ek gana bana rahe to that's a huge deal. You know, we are doing everything on our own. We are just downloading a free digital audio station from a laptop, and we are just recording on a mobile phone, and we are mixing it on our own. So that felt like a big thing. You know, ki kyunki whoever used to listen to those songs used to be like, yaar tune banaya, samajh to us kisi ko aata nahi tha. But there used to be like, this is a huge thing, you know. And from there, I just felt ki I couldn't stay away from it. I couldn't stay away from writing. I couldn't stay away from not doing this full time. And I just went out. I went to Delhi, and I pursued audio engineering. I did my 12th, and into music production aur ye sab cheeze, so I wanted to learn more. For that I just went out. I went to Delhi. Yeah, I went there and I just did this course for a year. At the same time I was trying to do something with my own music. And fir I got to know about record labels. And I got introduced to those, and mere ko samajh aaya ki what record label works what way.
there are like commercial labels who put you on an exclusive contract and you have certain, you know, limitations. Mm-hmm. You will be provided with artists jiske jaisa tumhe sound karna hai, unke jaisa sound karna hai, waisa music banana hai. So there are a lot of labels who don't have the creative freedom. Roshan bhai, there's so much to talk about. Is it true ki maine suna tha ki you would, you know, walk long distances on foot? Yeah, and you would write poetry on your hand? No, in my head. अच्छा, you would just write, you know, think of it and then you कहीं तो लिखते होगे ना, you would write it some place की. Yeah, of course, sometimes you remember. So how did it start before you came into the scene? How was it before that? मतलब कैसे? What inspired you? What was that, you know, pivotal point? I just wanted to express myself and I didn't have any means to do that, but Kashmiris don't have that kind of a luxury. So when I found out about hip hop, I started listening to it. Yeah. But then I wanted to express myself and write, and I think that took so many years, 4 or 5 years, just learning the culture, you know, what hip hop is all about and what kind of musicians I should listen to, you know, that took a lot of time. So finally, when I decided to rap, you know, the situation in Kashmir just totally changed. You know, kids were getting shot dead, 2008, 2010, you know. So even though I started off, like, you know, listening to slangs, you know, American hip hop music, but then when you see the place you're brought up in and you see that, you know, you're not doing anything about it or you're not able to express in any other way. So I found hip hop as a home, you know. I think the first step is to just survive yourself, you know, and I found that, you know, hip hop was the place where I could just be, you know, a real Kashmiri, for example, you know, because there was music all around Kashmir, you know. People were, of course, singing about Kashmir, but very metaphorically. Mm-hmm. For me, it was all about being direct, you know. That's what hip-hop taught me, you know. It's not that, you know, it's not only about metaphors. Sometimes you have to speak truth to the power. And the rappers I heard back then, you know, like Tupac and N.W.A. and all these guys, you know, they wanted to talk about the police brutality that they went through. For me, man, it was to survive in hip hop. You know, it gave me that chance to survive. Otherwise, who knows? You know, if it wasn't hip hop, you know, who knows what I would have been. But it's 10 years now. You know, since I Protest, for example, mm-hmm. came out. So it's been a long journey, man. What do you consider to be your pivotal point? मतलब एक ऐसा चीज, that one moment when you thought कि, you know, when you started listening to different thing, when did you think कि I should use this as a tool to express the, you know, things that are happening in Kashmir? Every day, man. Like when I was 19, 18, every day I thought about something which I could use for, you know, to express myself and to showcase the reality of what's happening in Kashmir. And hip hop was the, you know, only way. You know, music was the only way. And I knew few musicians, but, you know, none of them was willing to speak about what was happening on the ground. But in 2010, you know, when you saw your own friends getting killed, so many other young children getting shot dead, you know, dozens in a day, you know, you woke up every morning and you read the newspaper and a young kid with his dead face, you know, it's plastered on the front of the newspaper. It changes you, you know, and I was just 19 or something, you know. So since then, it has been 10 years down the line. So, you know, it is still not easy to make this kind of music or, you know, rap about stuff. But how much do you think is the difference between the time when you started and the time, you know, the present times? No, it's the same, you know. The threat level is still the same, you know. it's not that anything has changed. For us Kashmiris, we're still, you know, downtrodden, miserable and the wretched, you know. We haven't changed our position, and music itself, you know, if it depends on the society, you know, if the society is willing to give you the respect and the support, you know, the whole scene changes, the whole industry rises up. And for me and hip hop, you know, we both got lucky. You know, people saw it, they respected it, and they saw the vision. And the young kids who were growing up, they were the same as me. They didn't have any medium of expression. And they found hip hop. They thought it's easy to rap. You can find a beat online anywhere. And, you know, I think there's no other genre of music that could have done that, mm-hmm. you know, that could have raised the level so high.
But at the end of the day, you have to understand it's not an industry out here. It's not a scene. You know, it's just individuals trying to do something with their lives, actually. You know, it's better than doing nothing, actually. You know, speaking of this, you were saying that when you album launched your rap, it didn't reach out to people. It didn't reach out to people. Response didn't get. Exactly. Then when you, you mix it with the Kashmiri culture. Yeah. So I think that is, एक ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि दिस वाज दैट वाजंट डन बिफोर इफ इट वाजंट इट इट वाज डन तो इट वाजंट डन यू नो एक उस लेवल पे तो हाउ डू यू थिंक इज हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक इज ओरिजिनलिटी इन मेकिंग म्यूजिक सी दैट वाज कंप्लीटली रॉ काइंड ऑफ व्हेन आई गॉट दैट थॉट इन माय माइंड एक्चुअली आई यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिक आई हैड अ फ्रेंड राइट नाउ ही इज माय फ्रेंड अ वेरी गुड फ्रेंड कसाम ही इज अ वेरी गुड सिंगर. Most of the people know him. He was on, 10 years old when he started, or 9 years old when he started singing, learning music. He came to my place one day. I was in Delhi. I produced a music essay. So I asked him, let's compose something on it. So we were writing, but nothing was coming. I wasn't composing it. So my mind clicked in my mind. गाते गाते तो मैंने उसको बोला जरा ये गा तो ये गाना कश्मीरी गाना है ये पुराना गाना है बट ट्राई इफ इट विल वर्क तो उसने कहा बोला हाँ रिकॉर्ड करते हैं चलो जल्द अभी रिकॉर्ड करते हैं बोला ठीक है कर लो तो अब उसने बोला ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो एक वर्सेज ओके प्लस एक अंतरा के बाद जो मिक्स करा ब्लेंड करा दोनों को हाँ तो मैंने बोला एक काम करूँगा मैं ना जो इसका दूसरा पार्ट है बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू राइट इन कश्मीरी तो कश्मीरी सॉन्ग था तो मैं उर्दू या इंग्लिश में लिखना नहीं चाहता था उस पर तो उसी की लिरिक्स आई डोंट राइट लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग मतलब खुद का नहीं लिखा मैंने उसी का जो लिरिक्स था बाकी वर्सेज जो थे मैंने उन्हीं को एक पूरा वो 8 बार का बना दिया एंड आई रिकॉर्डेड हिप हॉप की तरह गाया मैंने रैप की तरह गाया इट टर्न आउट गुड मतलब हाँ ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा है अच्छा बना बन रहा है कुछ तो देन वी शॉट अ वीडियो वहीं पे अच्छा थोड़ा सा वहीं पे थोड़ा सा छत पे चढ़ के ऐसा तो बोला चलो ठीक है विल पुट दैट आउट तो इट वाज रमजान का महीना तो शाम को इफ्तारी के बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट सुबह सहरी के टाइम तक शॉट हो गया था वीडियो भी तो ऐसे ही रफली कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जस्ट ऐसे लिप सिंक कर दिया तो ईद पे ईद के बाद कुछ दिन आई रिलीज दैट वीडियो एंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया राइट नाउ इट हैज गॉट लाइक 400K व्यूज प्रशांत व्हेन यू स्टार्टेड यू वर इन कश्मीर तो उस टाइम पे जैसा अगर ये इन्होंने शुरू किया कुछ टाइम बाद ही लेकिन दे एटलीस्ट हैड समवन टू लुक अप टू या फिर फॉलो आपके टाइम पे कोई कुछ नहीं देयर वाज नो प्लेटफॉर्म एंड आई डोंट थिंक देयर स्टिल एनी प्लेटफॉर्म्स इन कश्मीर जैसे अहमद को बाद आज़ादी रिकॉर्ड ने साइन किया बिकॉज दैट इन दिल्ली देर आर नो रिकॉर्ड्स इन कश्मीर तो 10 साल इसको हो गया इंडस्ट्री को एंड पीपल एवरी वन नोज अबाउट दिस बट वाई डोंट थिंक दिस इज नो प्लेटफॉर्म फॉर दिस म्यूजिक इन जनरल इन कश्मीर डजंट हैव अ प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट फॉर रेडियो कश्मीर से यू नो और सम रिकॉर्ड लेबल्स यू नो विद देयर चीकी सॉन्ग्स एंड ऑल दैट म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल दैट सो देयर इज नो अदर प्लेटफॉर्म यू हैव टू क्रिएट इट योरसेल्फ एंड वी ऑल हैव सोशल मीडिया दैट्स इट You know, Mumbai ke rapper, for example, you know, they meet in a place and they jam or they do cyphers and all that, battles and all that. Oh, aisa yahan pe, it's very impossible. Yahan pe section 144 to aise hi laga hota hai. If you find 20 rappers, you know, screaming on the top of their voice, you know, they'll probably end up in jail. Acha, tell us about koi aise fan stories. If you're a fan of a rapper or maybe someone is your fan and they come to meet you, aisa koi moment jo aapke liye ek extraordinary moment raha hai. To meet someone. I mean, my whole career has been sort of aaj main pitne wala hu bahar. That's what it has been about. And every time I went out with the thought ki I don't care. I just have to do it. Yes. I don't care. This is the least I can do, and I'll just go out there and do it. And I've been to so many places, and I'm so fortunate that I went to such places. I went to Shaheen Bagh. We performed there and there were a lot of other places that I went to and the reception that we got was super surprising because I didn't expect this many people to understand it or at least come to a discussion, you know. A conversation is better than anything. You know, if you can at least change one person's perspective, I've
literally this guy who worked for I think BJP youth or something texted me and he was like, bro, flip kar gaya main, I'm change ho raha hu, I'm leaving this shit, and I'm realizing ki what grave trouble we are in, you know. So for me those things also matter, you know, and in the situation that we are right now, everything is kind of banned for us, you know, and to do such things is a big deal for me at least. तो रोशन भाई, आपके साथ मेरे को उम्मीद है कि सब फैन बॉइंग लोगों को हुआ होगा आपके साथ आपके मिलकर, तो सम स्टोरी व्हिच यू नो इज स्टैंड्स आउट इन योर माइंड ऐसा कुछ. And 10 years is a long time. I've been meeting so many people just right in the streets. I used to walk and people would just stop their cars. You know, young children would just, you know, they would just jump out of their school buses. Not only in Kashmir, man. Outside in Bangalore, for example. In 2019, I was in US. I was giving a, there was a conference at New York University and there was this young girl from Los Angeles, I guess, and she was like, you're this guy, your music is taught in our school, and they're in her school. So that's some things, man. That's huge. So, no, I remember when I first met you, it was back in 2011, I guess. Ek event tha, Google Kashmir tha, SKSEC mein. So, you know, remember when you look at your post back then on Facebook, you sound very stupid. So, us time pe lingo tha, how's you? Wo ye. So, I was sitting on the sofa and couch, aur yahan samne se ye aa rahe hain. So, main sort यही है हाँ ये जब आ रहा है मैं कुछ तो बोल रहा है आई टू मेक एन इंप्रेशन आई शुड अप एम सी हाउ इज यू एंड ही वाज लाइक आई या ऐसे तो कुछ नहीं हुआ बट हाँ लालचौक बंड से चल रहा था एक बार ये इचना माम ये इचना इचना से मामा लावा गो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाँ देर वॉज अ सॉन्ग मामा लावा गो दैट वॉज अ स्लैंग स्लैंग दैट आई यूज इन दैट सॉन्ग जिस वजह से लोगों ने वो सुना बट सॉन्ग कोई नहीं सुन रहा था बस वो पहला सा पार्ट सुन रहा था बस वो एक रेफरेंस बन गया फिर हाँ तो फिर माम माम ऐसा मतलब हम आपस में दोस्तों को बोल रहे थे ऐसे बुलाते थे माम माम बुला के तो वो ऐसे ही अब वो स्लैंग बन गया ब्रो का हमारा कश्मीर में मामा बन माम बन गया ये तो हाँ तो ज़्यादातर माम माम ऐसा कुछ तो यू हैव गिवन समथिंग टू द सोसाइटी एज अ यू नो कल्चरल रेफरेंस बिकॉज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू कोट हियर व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप जब हम यहाँ पे लोगों के साथ हिप हॉप की बात करते फॉर एग्जांपल वी आर अप्रोचिंग अ स्पॉन्सर फॉर एन इवेंट दिस इज द हिप हॉप इवेंट सो यहाँ पे माइंडसेट ऐसा बन गया है इट्स अबाउट गर्ल्स इट्स कमर्शियल हिप हॉप बन अबाउट या उनके दिमाग में ही है बट वो उस एंगल से मतलब पांच छह दिमाग से दे आर लाइक हराम हुई तसा काम उमत हो मेरे तो उस टाइम पे उनको इस्लाम याद आता है नहीं दिस इज गलत फॉर माशरा तो रोशन भाई टेल मी कि डू यू थिंक कि जो एक करियर इन हिप हॉप इज इट सस्टेनेबल फॉर एन आर्टिस्ट इन कश्मीर नो मैन आई थिंक बेयरली एनीवन हियर सीज हिप हॉप एज अ करियर दे सी इट एज समथिंग दे लव यू नो इट्स देयर पैशन टू रैप टू राइट टू रिकॉर्ड टू मेक म्यूजिक यू नो इट्स इट्स पैशन आई सेड नो वन हैज अर्न एनीथिंग फ्रॉम हिप हॉप आउट हियर Nothing. That makes it difficult for an artist to survive, you know, Kashmir mein. Along other factors, this thing that you don't earn from it, or if you don't earn from it, you earn from, you know, events and other places, like artists go there, and then you also don't have those things in Kashmir. So how does an artist survive in this place? He has to study, he has to do his masters, you know, and get a job, and do this as a passion. Exactly, yeah. Side by side, yeah. So Roshan bhai, when you would write your songs or lyrics, तो आते हैं नहीं स्पेसिफिक लिटरेचर दैट यू रीड और अपना जो रिसर्च आप करते होगे तो व्हाट डू व्हाट बुक्स डू यू रीड फॉर दिस स्पेसिफिकली फॉर यू नो राइटिंग स्टफ इट्स नॉट जस्ट बुक्स यू नो यू फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू नो इट्स पीपल प्लेसेस हिस्ट्री सो इफ आई हैड टू चूज अ बुक इट विल बी मार्कम एक्स ऑटोबायोग्राफी एज टोल्ड टू एलेक्स हेली इट चेंज्ड माई लाइफ आई एम प्रीटी श्योर दैट एनीवन हु रीड्स इट He'll find the inspiration to be something for your society, you know, to be a fighter for your society, to change the way you are living and your people are living. And I think that one book is a great inspiration. But then also, you know, as a rapper, you need to have a dictionary. You need to read the dictionary to learn new words, you know, and
Yeah, man, it's people, places, history, stories, everything. It's not limited just one source. No, of course not. So, Will, now I have this segment where it's a rapid fire. It's a cliche segment. We do this. It's a little fun element in every thing, which is my work. Okay. So, what I'm going to do is I'm going to say words to each one of you. And the first thing that comes to your mind when you hear that word, you tell me that. We'll start with you, Joshua, okay? Jhelum. Yeah, man, Kashmir. Nice. Money. Don't have it. Kashmiri. Love. Politics. Hate. Football. Man United. I'm sorry for that. No. Okay, fine. Ahmed Abab ke karte hain. Azadi. Need. Curfew. Trapped, sort of. Social media. Social media. Virus. This. I'm not good at this one. This. I don't know. You'll find we'll skip that. Platform. Necessary. Gazanfa. Yeah. Downtown. Love. Okay. Dude. I think we'll skip that. Heartbreak. Oh fuck. You know. No answer, bro. Punjabi. Tadka. So one last thing. I'm going to ask you. Studios. Home. Second home. That's nice. So I think we can agree that Roshan Bhai is the best year in this. Very good. So we have a hamper for you, Roshan Bhai. This is the same hamper. We're using it for the third time. Budget ki kami hai hamare paas. So you can also download it from the same App Store, Play Store. Kuch order karna hai aapko kuch bhi. Is that grocery or it's groceries? Groceries. And then you can also, you know, order a comeback whenever you want. I'll ask you a few questions. So we'll start with Gazam for you, okay? Okay. Tell us, if you were to describe Indian news channels in one word, what would that be? Shit. Nice. India wanted to know that. Okay, if you had to choose between the two, Harissa and Atuj. Harissa. Nice. And who's your favorite comedian? Kunal Kamra, I guess. Hamper wapas karo apna. No, because no, I get who it, else could be in India? I mean, that we usually true. Watch, right? That's true. So, Ahmed, name one Kashmiri poet. Zarif Ahmed Zarif saab ke bagair. Majur. Nice. Who's your favorite Kashmiri Twitter handle? Kashmirology. Nice. So, Ahmed, one movie or series without which, you know, except for which you won't watch any other movie for the rest of your life? It will be The Sinner. The Sinner, that's nice. Roshan Bhai, the first ever rap song that you ever heard? Oh, it's Beastie Boys' No Sleep Till Brooklyn. I was pretty, like, 8 years old or something. So, a dream platform for you to perform at? Yeah. The SKICC, you know, where Junoon performed. That's. I think you did perform there. No. It's from the back side of SKICC. It's a huge. Yeah, in the lawns, yeah. So I'll give you the name of three rappers. You have to put them in order according to which you think is the best, okay? Tupac, Nas, and Immoral Technique. I think it's Tupac, Nas, and Immoral Technique. That's very easy. So for the last question, I will give you a sentence and you have to complete it, okay? We'll start with you. Okay. Kosher rap is incomplete without SXR. Roshan Bhai, Jaji Talkies is it's great and it needs all our help and support. Sun rahe sab log? Sun rahe? Theek hai. Amar, hum kya chahte? Azadi. That's nice. So with that, we come to the end of this podcast. Thank you all of you for joining me, and this has been a great honor for me. Thank you so much. Thank you. सारे बोले हमें साइको लौंडे अपने साइको भिड़ने की बातें ना करियो होमी साइड हो साइको लौंडे अपने साइको स्कूल से ही शार्प पहले से थे साइनो साइको लौंडे अपने साइको पैसा जेब में तो गोली बैट वाइट को साइको लौंडे अपने साइको भिड़ने की बातें ना करियो होमी साइड हो साइको लौंडे अपने
साइको स्कूल से ही शाप पहले से थे साइनो साइको लोडे अपने साइको पैसा जेब में तो गोली बैट बॉय को साइको लोडे अपने साइको के मार फ्लो आके सारे राइट लो